आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं, वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं, वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है, तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूछता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है, कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपना पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है, तो कोई मुझे माता मानता है, तो कोई मुझे सखा मानता है, तो कोई मुझसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है, जैसे गोकुल की गोपियां जो मेरे प्रेम में संसार की सारी रीत रिवाजों को भूल जाती हैं। उनकी आंखों में, उनके मन में हर जगह हर समय मेरा ही रूप समाया होता है। कई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मन चाहे रूप में देता हूँ। मैं उनका पिता भी हूँ, माता भी हूँ, सखा भी हूँ, और प्रीतम भी मैं ही हूँ। तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो, वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम ही प्रेम हूँ। प्रेम ही परमात्मा है।